गरीब हुकूमत है उतना बढ़ा रही है, कम से कम इतना तो आप भी बढ़ाए ना 35% अगले साल के लिए। तो आई होप एमपीएस कुछ असल में नंद कुमार की वो थी, एक ड्रीम थी कि शायद नंद कुमार ने अपने इंटरेस्ट की बात सिर्फ की, सैलरी कितनी बढ़ाई आपकी कंपनी के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, आपकी कंपनी के लिए वी हैव अ टेम्पररी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन विद यू सो दैट आपकी कंपनी रहे। टेम्पररी हमने उनको बिठाया है जी। Sir, I will conclude. I know it's been almost 2 hours that I've been on my feet, and I'm very grateful to all of you. It's been after a very long time that I've been able to make my speech without disturbance. I remember the first year of my speech. आपको मैं दे रहा हूँ ना, आप मैं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे अपना पहला साल याद है, ये इस जगह पे, ये 4 फीट दूर खड़े होके, और जब मैं अपनी बजट स्पीच कर रहा था तो मुझे वो कह रहे थे पता नहीं 10 दिन 15 दिन, आपने सुना होगा क्या ऑल फॉल बकरे थे। मैं तो उधर ही हूँ अल्लाह ताला के एहसान से, अपनी पार्टी लीडरशिप के, जैसे अपने वालदैन की तरह से वो नजर नहीं आ रहे वो नजर नहीं आ रहे। मैं उन्हें इन्वाइट करता हूँ आए हाउस में बैठे, जो जिसने कानून अपने हाथ में ली लिया होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, और कह भी नहीं सकते हम का। लेकिन जिसने कानून हाथ में लिया उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे, हम पहले भी निपटे हैं, हम आगे जाके भी निपटेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है कि आप मुल्क की सालमियत, मुल्क के इस्तेहकाम को इस तरीके से, और मुल्क की इधर आप सबको नौ में याद है वो भाई, वो तुम्हारे को उस रेड बस ने क्या नुकसान तुम्हारा पहुंचाया था जिसको तुमने जला दिया, या तुम्हें एडी की एम्बुलेंस क्या तंग करती थी, एडी की जलाई थी एडी वाली, या पुलिस की गाड़ियां जलाने में तुम्हें क्या शौक क्या मजा आ रहा था, तो वाटर बोर्ड की गाड़ियां, तो उनको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है। हाँ, बाकी सब जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है वो आए बैठे हमारे साथ, वो कुछ नहीं कहेगा। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है मैं इधर ही हूँ, आई एम हियर एंड आई एम हियर टू स्टे, मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह ताला की मदद से और अल्लाह ताला की तरफ से। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ यू नो मिस्टर स्पीकर, लेट अस सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट 5 years, applauding the transformative impact on the life of common men through natural impediments had enormous diminishing effect, coupled with the trickle-down effect of global economic nosedive, an environment of political and social uncertainty. Nonetheless, there is always a silver lining under dark clouds. Pakistan People's Party has always lived up to the expectations of the people. In return, the people of this great province of Sindh has also bestowed us with the crown of their trust, support and affection. Together, we have laid the foundation of glimmering future where opportunities are abound and prosperity knows no bounds. As we forge ahead, let us remain steadfast in our resolve, knowing that with determination, collaboration and shared vision, we will overcome any obstacle that comes our way. The journey has been arduous, but the reward will be immeasurable. Mr. Speaker, sir, I pray to Almighty Allah that our land, our beloved country, and democracy be protected from dangers and challenges that we are facing. May democratic forces always rise and shine in this country. May Almighty Allah bestow us with courage and capability to serve the people of our motherland, Sindh, on the vision and principles set forth by our founding father, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Awam Shahid Zulfiqar Ali Bhutto, and Qaid-e-Jamhooriyat Shahid Muhtarma Benazir Bhutto. Sir, with the leadership that we have in this country, with the young leadership, I'm sure the next several decades look very bright. वो जो थी हमारी जो हमारी इसमें उर्दू में लिखे होंगे मेरे शेर वगैरह देखेंगे, इधर इधर नहीं,
तो मैं जो हमने जो देखा, ये मुश्किलात आई हैं, मैं मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी लीडरशिप के अंदर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में, इस सूबे को और इस मुल्क को बेहतर फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे और बहुत बेहतर अगले नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। हम में से पता नहीं कितने इधर होंगे, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा पाकिस्तान देख रहा हूँ, इसलिए कि हमारे पास वो लीडरशिप है जो अगले 30 से 40 साल तक इस मुल्क को लीड करेगी, और इंशाल्लाह ताला वो लीडरशिप हमें कामयाब करेगी। मैं स्पीकर साहब, अभी वाइंडिंग अप स्पीच भी होगी, मुझे उम्मीद है कि इस दफ़े मुझे करने दी जाएगी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे जो मेरे अपोजिशन के दोस्त हैं, उन्होंने तहम्मुल से सुना, आज बड़ा मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा बहुत सालों बाद कि एक स्पीच चल रही है और सब बैठ के सुन रहे हैं, जो एक माहौल पैदा हो गया था इस सूबाई असम्बली में, अल्लाह ताला का लाख एहसान है कि वो ख़त्म हो गया डेकरम में, सबने सुना है, और मैं ट्रेजरी साइड और अपोजिशन दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बड़े तामुल से सुना। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को कहा था कि आज ही बात करें, हमारी दो दिन की छुट्टी होती है जो बजट के कैलेंडर में होता है, ट्यूसडे को हमारा सेशन होगा, मैं चाहूँगा कि पूरी पार्टिसिपेशन हो, ये आप अपनी तकारीर करें, क्रिटिसाइज करें, हम कभी क्रिटिसिज्म से नहीं घबराते, हम उससे कुछ सीखते ही हैं हमेशा, क्रिटिसाइज करें, जो गलतियां की है वो हमें बताएं, जो बेहतरी हो सकती है बताएं, अच्छी तजावीज आएंगी तो इंशाल्लाह ताला 2023-24 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंटिन्यू करेगी इन अच्छी तजावीज को और इन ईयर्स टू कम। तो ये मौका हाथ से ना गंवाएं, अच्छी तजावीज दें, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि हम उन तजावीज पे अमल करेंगे। मैं जैसे मैंने शुक्रगुजार हूँ स्पीकर साहब आपका, आपके पूरे स्टाफ का, वन शफी नहीं है इधर, वो रिटायर कर गया है इसलिए नए चेहरे आ गए इधर, लेकिन आपका पूरा असम्बली का स्टाफ हमेशा कोऑपरेटिव रहा है, और इंशाल्लाह ताला जो अगले 8-10 दिन हमारे बजट के होंगे उन सब में भी हम सब साथ मिलके, मैं तो कहूँगा सुबह 10 बजे से शुरू करें, रात को 10 बजे तक तकारीर करें, सब अपनी अच्छी तरह, जैसे आपने मुझे स्पीच करने का मौका दिया है, 2-2 घंटे आप सब स्पीच करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जैसे आज डिसिप्लिन और डेकरम का मुजाहरा हुआ है वैसा होता रहे।